ठीक है, अब वो सवाल लेते हैं जो एज अ जर्नलिस्ट मैं किसी भी इंसान को रिगार्डलेस ऑफ देयर पार्टी पूछूंगा जब वो बिहार के पॉलिटिकल लैंडस्केप में है। एक यूज़र है हमारी निशी, सहरसा से हैं, हैदराबाद यूनिवर्सिटी में उन्होंने अभी वो पढ़ाई कर रहे हैं जर्नलिज्म क्या है। उन्होंने आपके लिए सवाल पूछा है कि 30 ईयर्स ऑफ लॉकडाउन का क्या मतलब है, क्या इसका ये मैसेज है कि सिर्फ राजद और जेडीयू की सरकार ख़राब थी, क्या इससे ये भी मैसेज एक डिकोड किया जाए कि एक तरह से आरोप भी है आप पर ये कि क्या सिर्फ जब पिछड़े लोग गवर्नेंस में आ रहे हैं आप उनके सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। 74 ईयर्स पहले हमारा देश आज़ाद हुआ था, आज हम जो भी चीज़ तुलना करते हैं वो 74 ईयर्स में करते हैं, वो इस वजह से नहीं करते क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि 74 ईयर्स से पहले चीज़ें बहुत बेहतर थी, वो हम इस वजह से करते हैं क्योंकि 74 ईयर्स पहले एक इवेंट हुआ था जिसमें हम आज़ाद हुए थे। तो वैसे ही जब मैं 30 ईयर्स बोलती हूँ, आई आंसर ऑल योर क्वेश्चंस वन बाय वन, मेरे 30 ईयर्स बोलने का मतलब था ग्लोबलाइजेशन, जिसमें कि इंडिया की इकोनॉमी, आई एम वेरी लेस रिलेटेड, व्हेन आई से स्टफ इट इज़ मोस्टली रिलेटेड टू इकोनॉमी। ये यहाँ पे आदत नहीं है लोगों को जनरली नेताओं से इकोनॉमी की बातें सुनने का, तो उनको लगता है कि हमेशा इसके पीछे कोई राजनीतिक अर्थ होगा। 30 साल पहले हमारी इकोनॉमी खुली थी पूरे देश की, उससे पहले एक स्टोरी थी जो एक स्टैग्नेशन का एक बहुत लंबा पीरियड हमने देखा हर इंडस्ट्री में, और उसके बाद वो खोला ही इसलिए गया था कि देश आगे बढ़े। पूरा देश बिहार को छोड़ के, ये डेटा है, आप अगर कभी उसको चेक करेंगे, आप वो अगर ग्राफ देखेंगे तो पूरा देश, जितने भी स्टेट्स हैं, महाराष्ट्र गुजरात स्पेशली, वो भाग गए तेज़ी से, और हम लोग, हम हल्का सा वो किए, ऑफकोर्स थोड़ा सा तो बढ़ना था क्योंकि ग्लोबलाइजेशन हुआ था, पर हम पीछे ही चलते चले गए क्योंकि 30 साल में सारी इंडस्ट्रीज बंद हो गई। क्या मैं ऐसा कहती हूँ कि इससे पहले चीज़ें अच्छी नहीं थी? बिल्कुल नहीं, आई हैव नेवर सेड इट, बिल्कुल चीज़ें अच्छी नहीं थी। पूरा जो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का जो पूरा कॉन्सेप्ट है जो आज भी हमें झेलना पड़ रहा है वो उससे पहले से ही आया था, वो पूछा नहीं है मुझसे किसी ने, आपने पूछा, एंड आई हैव दिस अपॉर्चुनिटी टू टेल यू, फैक्शंस बनने की एक शुरुआत हुई थी जो 30 साल से पहले हुई थी, जिसकी वजह से ही सोशल जस्टिस की मांग आई। तो वो ग्रास रूट्स का एक डिमांड था जो सोशल जस्टिस का तब आया था, जिसकी वजह से फिर सोशल जस्टिस का वादा करके लालू जी आए, और उसके बाद जब वो सो कॉल का था, नॉट रियली, जो वो कुशासन का जो वो एक पीरियड आया, उसके बाद फिर नीतीश जी आए कि हम सुशासन करेंगे वो करके। पिछड़ों का जहाँ तक सवाल है, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कहना चाहूँगी, ये रिप्रेजेंटेशन फ्रॉड है जो इन्होंने किया है पार्टीज से संबंधित। अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि उस वक्त में हालात इतने ख़राब थे, इसकी वजह से ग्रास रूट से सोशल जस्टिस की मांग आई थी जो बिल्कुल जेन्युइन थी, ये चीज़ भी मैं बोल दूँ, व्हाट आई फील अबाउट इट, वो बिल्कुल जेन्युइन थी, लेकिन वो हुआ नहीं। वो सोशल जस्टिस जिसका वादा करके आया गया था वो हुआ नहीं, क्योंकि उससे सिर्फ यही हुआ कि कुछ पॉलिटिकल फैमिलीज बहुत आगे बढ़ गई। आप उनकी प्रॉपर्टीज चेक करेंगे जब वो आए राजनीति में, और आज चेक करेंगे आप देखोगे कि उसमें कितना अंतर हो गया, जो असली लोग हैं वो वहीं रह गए हैं। और मैं अपने बारे में आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, थोड़ा शायद आप भी उससे रिलेट कर पाएंगे क्योंकि हम सब यहाँ पे एक ही ऑलमोस्ट एक ही उम्र के हैं सभी कोई। ये जो जाति वाली चीज़ है, हमें इसके साथ नहीं बड़ा किया गया है, मेरे सभी जाति के फ्रेंड्स हैं, तो मुझे ये चीज़ अनएक्सेप्टेबल है कि किसी भी जाति के साथ किसी भी वजह से ख़राब तरीके से बिहेव किया जाए, और प्लूरल्स में हर जाति के लोग हैं, फॉर योर इन्फॉर्मेशन। ऐसा नहीं है कि हर जाति की, मतलब जातियाँ किसी की पैटर्नल प्रॉपर्टी जो बन गई हैं बिहार में, भले वो किसी के लिए भी कुछ करें या ना करें, उस चीज़ को बदलना है। और मेरा मोटो ही है जो आपने पढ़ा होगा, पुटिंग द लास्ट फर्स्ट। जो हाशिए पे खड़े लोग हैं, चाहे वो किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, एंड आई एम सेइंग आउट ऑन रिकॉर्ड, मैं यहाँ उनके लिए आई हूँ। जब आप सोशल अपलिफ्टमेंट की बात करती हैं तो रिजर्वेशन पर क्या आपका स्टैंड है, और प्लूरल्स पार्टी रिजर्वेशन पर क्या सोचती है? ये चीज़ मैंने अभी हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले भी बोला था, बट मैं फिर से इसका जवाब दूंगी। मेरा एजेंडा बहुत ही क्लियर है, हर पार्टी को अधिकार है अपना एजेंडा सेट करने का। आपको शायद ये चीज़ पता हो कि बहुत ज़्यादा रिजर्वेशन है नहीं जिस पे हम इतना चुनाव लड़ लेते हैं। वो दो चीज़ों में रिजर्वेशन मिलती है, नौकरियों में रिजर्वेशन मिलती है जिसमें कि आपको थोड़ा सा शैक्षणिक होना पड़ता है नौकरी पाने के लिए, दूसरी जो है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में मिलती हैं, वो भी टर्शरी एजुकेशन में मिलती है। हमारे बिहार की प्रॉब्लम ये है कि बच्चे स्कूल के आगे बढ़ ही नहीं पाते, ये सबसे बड़ा स्कूल ड्रॉप आउट का प्रॉब्लम इज ह्यूज इन बिहार। तो हम जिनकी बातें कर रहे हैं उसकी जो मेजॉरिटी है वो मजदूरी करती है,
मजदूर हैं वो लोग, उनको रिजर्वेशन नहीं है, जो संविधान ने रिजर्वेशन का जो प्रावधान किया है, तो उनको मजदूरी करके और बहुत ही वल्नरेबल लाइफ बिताना पड़ता है। प्लूरल्स का एजेंडा ये है कि हमें यहाँ पे उद्योग लगाने हैं, हमने एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन लाना है जो कि फूड प्रोडक्टिविटी बढ़ा के होगा, फूड ग्रेन्स के मामले में, जो कि कैश क्रॉप्स लगा के होगा, जो उनको वो असिस्टेंस दे के होगा जो जिनकी अभी उनकी कैपेसिटी नहीं है परचेस की। ये सारी चीज़ें करने के बाद रिजर्वेशन ऑब्सोलीट हो जाएगा, ट्रस्ट मी, क्योंकि जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन है हमारी, उनको फ़ायदा मिल ही नहीं सकता रिजर्वेशन से, और जिनको मिलता है उनके रिगार्ड में ये बोलना चाहूँगी, ये संविधान में है, चीफ मिनिस्टर कैन ओनली डू यू नो टिल अ पॉइंट, ये मेरे हाथ में नहीं है। संविधान में जो भी है फैसला जो लिया गया है, अगर हम ये कहते हैं कि हमें डेमोक्रेसी में विश्वास है तो हमें उस मैंडेट को भी विश्वास उसका करना चाहिए। और प्लूरल्स इज़ वेरी क्लियर कि इन मुद्दों पे बोल के यू नो इट्स ईजियर, मैं वो बार बार कहती हूँ कि दूसरों पे उंगली उठा के या इन्हीं मुद्दों पे बातें करके इलेक्शन जीतना ईजियर है, मुश्किल है पॉलिसी कैसे बनाएंगे इसके बारे में बात करना, एंड इट्स टाइम कि हम लोग उसके बारे में बात करें। मेरा एजेंडा ये है कि हमारी मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, मेरा जो रोड मैप है उससे हम बहुत मैसिव तरीके से ग्रो करेंगे, ठीक है, लाइक इट्स गोइंग टू बी अनप्रेसिडेंटल, और बिहार इस तरीके से ग्रो करेगा जो इम्पॉसिबल नहीं है, कुछ यहाँ पे हुआ ही नहीं है, विच यू आर वेल अवेयर ऑफ, कि एक तरीके से ये कह सकते हैं कि पूरा इंडिया का जो इकोनॉमी है वो थोड़े दिन के लिए डिस्ट्रप्ट होगा। मेरे ऐसे प्लान्स हैं, और फॉर एक बहुत छोटा सा मैं आपको उदाहरण देती हूँ, जैसे कि थोड़ा सा लोगों को ये लगेगा कि ऐसा कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हाँ। ये भी सवाल आता है कि आप बोलती तो हैं कि ऐसा रोड मैप है जो कि इकोनॉमी को बहुत बूस्ट करेगा, आई सॉ योर इंटरव्यू व्हेन यू सेड कि 200% से भी बड़ा करेगा, बट पीपल आल्सो वांट टू अंडरस्टैंड कि इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करेंगे आप कैसे। हाँ, बिल्कुल, सबसे बड़ी चीज़ जो है बिहार में वो है एग्रीकल्चर, पूरा हमारा जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। अभी जो हमारा प्रोडक्टिविटी है फूड ग्रेन्स का वो है 2 metric tons पर हेक्टेयर, दिस इज द एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ बिहार, और जो ग्लोबल एवरेज है वो है 10, ग्लोबल एवरेज 10 metric tons पर हेक्टेयर है, राइट, ग्लोबल। भारत में ऐसे कुछ देश हैं जिन्होंने कि सॉरी भारत में ऐसे कुछ राज्य हैं जिन्होंने कि 5, 6 और 7 तक उन्होंने अपना प्रोडक्टिविटी बढ़ाया है। मैं आपको बिहार के प्रेजेंट का एक एग्जाम्पल देती हूँ। बिहार में एक जगह है नालंदा में गर्वेशपुर, वहाँ पे पिछले कई साल से एक किसान है जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं, और जो 2 average है बिहार की वो बिना किसी सरकारी मदद के 20, 21, 22 metric tons पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी है उनकी, तो इम्पॉसिबल नहीं है, वी हैव दैट काइंड ऑफ ज़मीन, इसको फैसिलिटेट करने की ज़रूरत है। इतनी सारी चीज़ें हैं, इंस्टीट्यूशंस, पैक्स हैं, एंड यू नो यारा यारा यारा, दे सो मच हियर, बट कुछ भी सही तरीके से काम नहीं कर रहा, उन चीज़ों को ठीक से काम कराने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ है कैश क्रॉप्स। आपको शायद पता हो 1960 में हम चीनी का देश में नंबर 1 प्रोड्यूसर थे, उसके बाद क्या हुआ, सारी इंडस्ट्रीज बंद कर दी गई। और मेरा कोई वो नहीं है, मैं किसी खास व्यक्ति पे या किसी खास पार्टी पे अटैक नहीं कर रही, ये वो वक्त है जब वो इंडस्ट्रीज बंद हो गई, उसमें मेरी कोई गलती नहीं है अगर पिछले 30 साल में ही सारी इंडस्ट्रीज बंद हो गई हैं, तो पेपर पे है कि इस साल ये इंडस्ट्री बंद कर दी गई, जो मैंने जा के लोगों को दिखाने की कोशिश की है। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज जैसे ही आपने बंद किया, लोगों ने कैश क्रॉप्स उपजाना बंद कर दिया, और आपने उनको कोई भी मार्केट लिंकेज नहीं दिया है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे प्रोडक्शन तो बहुत है बट क्योंकि उनके पास कोई जगह नहीं है उसको बेचने की, तो वो सब फेंक देते हैं, यू नो दे थ्रो इट ऑन रोड्स, एंड वो ऐसे ही वेस्ट हो जाता है। तो हम उनको वो मार्केट लिंकेज देंगे, उनको वो कोल्ड स्टोरेज देंगे, जो चीज़ें सरकार पूरी दुनिया में करती हैं, आपके खुद के ही देश में करती हैं, यहाँ पे हुई नहीं है, लोगों को लगता है डिफिकल्ट है। उसके अलावा अर्बनाइजेशन की बात करते हैं, अभी हमारा अर्बनाइजेशन 10 है, जबकि गुजरात का आई थिंक इट्स 49 point something, तो अब उस अर्बनाइजेशन को बढ़ाएंगे, वही पॉलिसी के तरीके से बढ़ाएंगे, उसको 50 तक लाएंगे, 8 economic zones बनाएंगे, 8 बड़ी cities बनाएंगे जहाँ पे IT sector लगाएंगे। मेरा सिर्फ प्रश्न ये है कि वो विश्वास जो टूट गया है वो मैं समझती हूँ, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारा ऐसा कोई लीडर रहा ही नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल जिसको ये चीज़ें करनी आती हो या इन चीज़ों की समझ हो,
लेकिन कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपका खुद देश कर रहा है। एक्चुअली उसी की बात है जब मैंने शुरू में भी आपको कहा था कि वो बिहारी जो विश्वास करना चाहता है लेकिन कुछ चीज़ें समझने के बाद। आपने बोला कि एग्रीकल्चर को, और इनफैक्ट आपके एजेंडे में है, आप बार बार कहते हैं हाँ कि एग्रीकल्चर को इंडस्ट्री बनाएंगे। 2015 और 2016 का जो एग्रीकल्चरल सर्वे है, सेंसस है माफ़ करिएगा, उसमें ये बताया क्लियरली लिखा हुआ है कि बिहार में SC और ST का जो लैंड होल्डिंग है वो नेग्लिजिबल है। तो जब इंडस्ट्री बनती है तो इन लोगों की जगह, इस कम्युनिटी की जगह कहाँ पर होगी? क्या वो सिर्फ ऐसा साइकिल फिर से बनेगा कि चलो वो बाहर में मजदूरी करते थे तो अपने राज्य में आकर मजदूरी करेंगे? बिल्कुल, ये थैंक यू अगेन फॉर सेइंग। मैं ये चीज़ बार बार ऑन रिकॉर्ड लोगों को कहना चाहूँगी कि मेरी प्रायोरिटी पे वही लोग हैं जो हाशिए पे हैं, चाहे वो सोशियो इकोनॉमिकली हों या इकोनॉमिकली हों। और आपने सुना होगा ये प्रश्न बहुत ही कॉमन है जो आना चाहिए, जो आपने अभी पूछा है, बट आप यू आर द फर्स्ट पर्सन इज आस्किंग दिस, कि जब भी आप एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन बोलते हैं तो पहला प्रश्न लोगों को मुझसे लैंड रिफॉर्म के बारे में पूछना चाहिए था, बट पूछा नहीं, आपने पूछा है। लैंड रिफॉर्म करूँगी बट लैंड रिडिस्ट्रीब्यूशन नहीं करूँगी, क्योंकि उसमें बहुत सारा पेच है पॉलिसी का और हमारे हमारा जो पूरा सिस्टम है उसमें भी। लेकिन मैं ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि वैसा ही रिजल्ट आ सकता है, जैसे कलेक्टिव फार्मिंग, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट इट, कलेक्टिव फार्मिंग की जा सकती है, मैकेनाइजेशन किया जा सकता है। पॉलिसी में ऐसी कोई चीज़ नहीं है इस दुनिया में जिसने कि बड़े से बड़े प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं किया है, क्योंकि आप जिन व्यवस्थाओं की बात करते हैं वो तो हमारी सोसाइटी में है बस, बाहर तो नहीं है ये सारा, इतना ज़्यादा डिविजन तो बाहर नहीं है। तो वो वेल ऑफ इग्नोरेंस से काम करने की ज़रूरत है। मैं वेल ऑफ इग्नोरेंस का बहुत बड़ा वो पक्षधर हूँ। जॉन रॉल्स हैं, आपने नाम सुना होगा, उन्होंने थ्योरी ऑफ जस्टिस लिखी है, उसमें उन्होंने कहा है कि चीज़ें वेल ऑफ इग्नोरेंस से होनी चाहिए और ऐसी होनी चाहिए कि हर व्यक्ति को उसका सेम लाभ मिले। तो अच्छी पॉलिसी मेकिंग का मतलब ये होता है कि आप इस तरीके से पूरी व्यवस्था बनाइए या इस तरीके की पॉलिसी बनाइए कि उसमें किसी का हक चला नहीं जाए। और देखिए, ये सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड इस वजह से भी हैं क्योंकि मैं कितना भी बोल दूँ, यहाँ पे आप देखोगे कि हर पॉलिटिकल पार्टी आजकल कहने लगी है, दे आर जस्ट रिपीटिंग व्हाट आई एम सेइंग, जो पार्टियाँ जाति और धर्म की वजह से ही हैं अस्तित्व में, वो भी अभी अभी हाल फिलहाल में पिछले हफ्ते से कहने लगी हैं ना जाति ना धर्म, विच इज़ रियली रिडिकुलस। फिर कुछ ऐसी पार्टियाँ हैं जिन्होंने की जिनकी वजह से बिहार इतना पीछे है और अब वो कहने लगे हैं कि हम बिहार को बेहतर बनाएंगे। तो अच्छी बात भी है ना कि आपके आने से ये इंपैक्ट हो रहा है, बट कैसे बनाएंगे, दैट्स द पॉइंट, राइट? ये जुमला नहीं होना चाहिए। और मैं लोगों को ये कहना चाहूँगी कि कैसे वो डिफ्रेंशिएट करेंगे कि मैं जुमला कर रही हूँ या नहीं। यहाँ पे एजुकेशन की भी कोई वैल्यू नहीं है, डिस्पाइट द फैक्ट कि मैं इतना पढ़ी लिखी हूँ, आई हैव टू से इट ओवर एंड ओवर अगेन, यू नो यू हैव टू बी वेरी लाउड हियर, जो कि आदमी कहना नहीं चाहता है, बट यू डू नॉट हैव एन ऑप्शन। तो अगर मैं ये कह रही हूँ कि मैं इसे नंबर वन बनाऊँगी और जो चीज़ें आप कह रहे हैं अगर मैं वो नहीं करूँगी तो नहीं बनेगा नंबर वन, क्योंकि नंबर वन कोई नंबर नहीं है जो कि लिख देना है वहाँ पे, वो आंकड़े हैं। वो आंकड़े क्या हैं? वो लोगों की ज़िंदगियाँ जब बदलती हैं तो वो उसको डिस्क्राइब करते हैं। तो अनलेस यहाँ पे हर व्यक्ति या हमारा जो GDP पर कैपिटा है जो पूरे देश में सबसे पीछे है वो जब तक ऊपर नहीं होगा तो नंबर वन कैसे बनेगा? PLFS का, आप जॉब्स बोलती है कि आपके एजेंडे पर सबसे ऊपर है एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज एंड जॉब्स, PLFS का एक सर्वे आया है जिसमें बोला गया है कि 40% जो बिहारी यूथ हैं वो अनएम्प्लॉयड हैं या उनके पास स्किल नहीं है। 25% ग्रेजुएट्स जो हैं बिहार के वो जॉब ढूंढने में पूरी तरीके से नाकाम हैं। जून तक अभी 24 लाख से ज़्यादा माइग्रेंट लेबरर्स वापस लौट चुके हैं। ऐसे में जब आप कहती हैं कि जॉब्स प्रायोरिटी है तो कहाँ से जनरेट होंगे इतने जॉब्स, मतलब कैसे जनरेट होंगे? सिर्फ क्या एग्रीकल्चरल सेक्टर में या इंडस्ट्रीज़, मतलब थोड़ा समझना चाहते हैं बहुत आसान भाषा में कि कहाँ से जनरेट होंगे? सबसे पहले तो सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर नहीं है, एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है जो पूरे पूरे कंट्रीज़ को सस्टेन करता है। और एग्रीकल्चर का मतलब सिर्फ फार्मिंग नहीं है, जैसे ही आप एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे, जैसा मैंने आपको कहा था, मार्केट लिंकेज नहीं होगा तो वो बर्बाद होगा। मार्केट लिंकेज जैसे ही बढ़ेगा उसका मतलब है कि आप इंडस्ट्रीज लगाएंगे, फूड पार्क लगाएंगे, ये सब जॉब क्रिएट करेगा, राइट? ये मैं कभी भी जब कहती हूँ जॉब, अ लॉट ऑफ पीपल इन बिहार दे थिंक आई एम टॉकिंग अबाउट सरकारी जॉब, बट नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली दैट। ज़्यादा जॉब आने होंगे इस तरफ से, इंडस्ट्रीज लगाएंगे तो पूरे पूरे जो कहते हैं ना स्किल की जो कमी है उसमें भी जो प्रॉब्लम है वो इंस्टीट्यूशन की है। आपको स्किल्स देने का भी काम, अगर आपका स्टेट ऐसा है जिसकी बहुत बड़ी पॉपुलेशन अभी भी अनफॉर्चुनेटली आप पे डिपेंडेंट है, तो द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड डू इज़ गिव देम दो स्किल्स। यहाँ पे एजुकेशन की भी हालत ख़राब है,
बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत तेज हैं. यू मस्ट बी अवेयर अबाउट दिस थिंग अबाउट बिहार, दैट पीपल आर वेरी स्मार्ट, दे आर वेरी स्मार्ट. लेकिन वो एक लास्ट मोमेंट पे जाके और छट जाते हैं, विच इज़ दैट यू नो इंटरव्यू सेशन प्रॉबेबली, जहाँ पे कि मैं लोगों से, बच्चों से जब मिलती हूँ तो वो यू नो दे कम टू मी एंड दे आस्क मी कि लैंग्वेज वाले उसमें हम पीछे हो जाते हैं, राइट? तो उनको वो लैंग्वेज की ट्रेनिंग दी जाएगी. सब ठीक था, अंग्रेजी नहीं ठीक था. एग्जैक्टली. इट्स आई डोंट नो व्हाई इट्स एन इशू हियर. लाइक मैं सच में बताती हूँ, इट्स जस्ट अ लैंग्वेज. लैंग्वेज है वो एक कम्युनिकेट करने का तरीका है, वो एक अवसर है. द मोर लैंग्वेज यू नो द बेटर योर लाइफ बिकम्स. आपके पास उतनी अपॉर्चुनिटीज हैं, उतने अवसर हैं. तो वो जैसे ही आप उनको देंगे, और लैंग्वेज बहुत छोटे वक्त में सीखा जा सकता है. आई लर्नड फ्रेंच, नॉट वेरी गुड फ्रेंच, बट अ लिटिल बिट ऑफ इट इन अ वेरी शॉर्ट टाइम. बाहर यू नो लोग शौक से लैंग्वेजेस सीखते हैं. तो लैंग्वेज सिखाया जा सकता है, वो सिखाएंगे. आईटी सेक्टर में हम जॉब्स देंगे, पूरा जो सर्विस सेक्टर है उसको रिफॉर्म करेंगे. जॉब्स आना मुश्किल नहीं है. अभी तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जिसको कि जॉब लाने में कोई इंटरेस्ट था. इतनी बड़ी बातें हमने कर ली, उसमें सबसे पहली बात तो ये भी करनी ज़रूरी है कि ये क्यों हुआ. यू नो ऑल दीज पॉलिटिशियंस, वो क्यों राजनीति में गए, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. जो देख, जब आप मुझे कंपेयर करते हैं बाकी लोगों से, आई अंडरस्टैंड इट कि ज़रूरी है, एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट. क्योंकि अभी भी अगर लोग स्केप्टिकल नहीं है तब तो कोई फ्यूचर नहीं है बिहार का. पीपल शुड डाउट अ लिटिल. लेकिन आप एप्पल्स और ऑरेंजेस को कंपेयर नहीं कर सकते. यू नो आप वो अलग किस्म के लोग हैं. कंपैरिजन से ज़्यादा ये भी है कि वो अगर किसी में उम्मीद देख रहे हैं तो उनसे जानना और समझना भी चाहते हैं कि हाँ, चीज़ें कैसे आगे बढ़ेंगी. मेरा आखिरी सवाल है, बहुत ही सॉलिड वेबसाइट आपका, जो मैंने वो पूरा SDG के 12 पॉइंट्स पर आपने बिहार गवर्नमेंट के फेलियर्स बताए हैं, 17 में से 12 पर अभी लिस्टेड है. हाँ, तो उसमें 12th पर ये पॉइंट था कि सरकार की तरफ से अच्छे कदम नहीं उठाए गए हैं बाढ़ से निपटान के लिए. 15 साल जब RJD थी ये प्रॉमिस करके आई कि कम्प्लीटली इसका सोल्यूशन देंगे. अगली बारी नीतीश जी आते हैं 15 साल ये कहते हैं कि हम जड़ से ख़त्म कर देंगे बाढ़ की समस्या को. अब जब आप आए हैं पॉलिटिक्स में तो नेपाल से रिश्ते भी ठीक नहीं हैं. उस पर कैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी, नेपाल से रिश्ते पर आप कैसे उसको टैकल करेंगे, और क्या सच में कोई प्लान है बाढ़ से निपटने का? क्योंकि 70 लाख लोग हर साल 16 जिलों के प्रभावित होते हैं. बिल्कुल. और इसमें फिर से आई विल स्टार्ट फ्रॉम दिस वन थिंग. नीतीश जी आए, लालू जी आए, अगेन मैं आई हूँ, आई एम नॉट नीतीश जी एंड लालू जी. ये चीज़ मुझे, क्योंकि अगर आप बिहार के हैं और आपको पॉलिटिक्स नहीं पसंद है और आपको बार बार उन लोगों से कंपेयर किया जाता है जो आपको शायद, जिनकी वजह से हम फेल हुए हैं, तो यू डू नॉट लाइक इट. तो मुझे वो चीज़ थोड़ा वो लगती, थोड़ी इंसल्टिंग लगती है टू बी ऑनेस्ट, कि वो करे. और एंड ऑल्सो यू नो यू हैव टू कंपेयर एप्पल्स एंड ऑरेंजेस. ये लोग जब आए और इन्होंने जब वादा किया, सिर्फ कह देने से चीज़ें नहीं हो जाती. देखिए इट्स वेरी सिंपल कि आप क्या कह रहे हैं वो ज़रूरी नहीं है, कौन कह रहा है वो ज़रूरी, वो ध्यान में रखने की ज़रूरत है. कोई भी आके अगर आपको कह दे कि हम ये कर देंगे और हम मान लें और उनको वोट कर दें और बाद में बोले कि उन्होंने तो कहा था, दैट्स अनफेयर. यू नो वो जो कह रहे थे वो उनका एक पूरा वो पृष्ठभूमि थी जो कह रहे थे. बाढ़ एज फार एज इज कंसर्न, जब तक बाढ़ नहीं नियंत्रण होगा कुछ नहीं बदलेगा. और बाढ़ नियंत्रण करना, ये बार बार कह दिया जाता है कि सब कुछ नेपाल के उस पर फोड़ दिया जाता है, कि बहुत आपको पता नहीं होगा बट ऐसी बहुत सारी स्कीम्स हैं जो नेपाल और इंडिया के बीच में होने वाली थी लेकिन वो अभी तक ठंडे बस्ते में पड़ी हुई हैं. उसका कारण सिर्फ नेपाल नहीं है, हमने भी कभी पहल नहीं की है बात करने की. उन चीज़ों पर कभी चर्चा ही नहीं होती है, बाढ़ हटाने की कभी चर्चा ही नहीं होती. तो क्या हो जाएगा, नेपाल कैसे वो करेगा? उसके अलावा हमारे खुद के स्टेट में कोई इरिगेशन सिस्टम ही नहीं है. वी डू नॉट हैव एन इरिगेशन सिस्टम. एक कनाल सिस्टम था जो कि आज़ादी से पहले का था, उसको भी आज तक ठीक नहीं किया गया. हमारे पास कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं है. तो जब आप ये सारी चीज़ें नहीं कर पाए तो आप या आपकी पार्टी आके बोल दे कि हम बाढ़ ठीक कर देंगे. दीज आर बेसिक थिंग्स, राइट? ड्रेनेज बनाने में क्या प्रॉब्लम है? अंग्रेजों के वक्त के ड्रेनेज क्यों हैं जो कि यहाँ पे? नया ड्रेनेज, ये आधा जो प्रॉब्लम है बाढ़ का, सी बाढ़ का पानी जो है इट्स कलेक्ट, इट्स वाटर. तो उसका थोड़ा सा अगर आपके पास बिल्कुल स्किल नहीं होता, मैं मान लूँ एक मिनट के लिए कि आप बिल्कुल स्किल नहीं था आपके पास, लेकिन ड्रेनेज तो बना सकते थे, वो तो बेसिक चीज़ थी. सो यू आर सेइंग कि रूरल एरियाज में भी ड्रेनेज से जो कोसी रीजन है पूरा, उसमें हम बाढ़ को सिस्टम नहीं, विल हैव टू मेक अ कंप्लीट सिस्टम. इट्स एन इंटीग्रेटेड सिस्टम दैट यू नीड टू मेक टू फाइट बाढ़. उसमें एक ही बस पार्ट है कि आपको नेपाल से बात करनी पड़ेगी, दैट्स जस्ट वन पार्ट ऑफ इट. उसके अलावा हमें अपने यहाँ टेक्निकल एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पूरा सिस्टम बनाना पड़ेगा.
जिसमें कि ड्रेनेज आता है, जिसमें कि डैम्स आते हैं, राइट, जिसमें एक प्रॉपर कैनाल का सिस्टम आता है. एंड आप लोग तो यू नो ऑल ऑफ यू आर वेल एजुकेटेड, आपको ये भी पता होगा कि हमारे ही दुनिया में भूकंप से भी वो पा लिया गया है. यू नो दे आर बिल्डिंग्स जो कि भूकंप में भी चलती हैं. सो देयर इज नथिंग जो कि नहीं किया जा सकता. द पॉइंट कि इन लोगों ने नहीं किया तो उस पर मैं यही कहूँगी इन्होंने तो ड्रेनेज भी नहीं बनाया. तो उस बात पे कंपेयर करना थोड़ा सा अनफेयर. कंपैरिजन मतलब नो नो आई अंडरस्टैंड कि हम मतलब आप कैसे करेंगे जब आपकी तरफ उम्मीदों से देखा जाए. सबसे पहली चीज जो हम फिक्स करने में लग जाएंगे जो भी उसमें टाइम लगे वो है बाढ़. क्योंकि मैं बाढ़ के लोगों से भी मिली हूँ, ये बहुत ही अनफेयर है कि हर साल वहाँ से उनको उठ के चले जाना पड़ता है. और सिर्फ इतनी नहीं, मैं एक और भी चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि उनको सरकार सिर्फ पन्नी देती है. दिस इज़ व्हाट दे डू. और इस बार मैं गई तो देवल है कि इस बार पन्नी भी नहीं दिया है. तो सी वही चीज़ है, अनलेस आप एज ए लीडर लोगों का इम्पोर्टेंस क्या है, लाइफ का इम्पोर्टेंस क्या है वो नहीं समझो. यहाँ पे इसलिए मैं बार बार ये चीज़ कोट करती हूँ कि मैं कैंटियन हूँ, मैं कैंटियन फिलोसफी में विश्वास रखती हूँ कि हर आदमी अपने आप में एक एंड है. वो किसी सत्ता में बैठ जाने के लिए कोई लक्ष्य नहीं है. और आप लोग भी जब चलेंगे और ये चीज़ें देखेंगे, यू नो पीपल क्राई, वो रोते हैं, आपका हाथ पकड़ लेते हैं, आपका पैर पकड़ने लगते हैं. और ये बहुत ईजिली फिक्स करने वाली चीज़ें हैं. ये कोई असर हम इफ़ वी कैन यू नो लर्न रॉकेट साइंस तो ये तो किया ही जा सकता था. एंड ये करेंगे. और ये बिल्कुल जो भी ब्रेन्स हैं पूरे वर्ल्ड के, यू नो बेस्ट ब्रेन्स इन द वर्ल्ड, आई नो अ लॉट ऑफ देम. एंड इट इज़ नथिंग जो कि ऐसे बोले कि अरे ये तो ये इम्पॉसिबल तो हो ही नहीं सकता. यू नो अगर इम्प्रोबेबल लगता है लोगों को कि इट्स अ लिटिल इम्प्रोबेबल, इट इज़ नॉट.